तो पंजाब सरकार दे वल्लों अज एक घंटे लई वाहनों की आवाजाई ते रोक लगाने दे निर्देश दिते गए। हालांकि इन्हां निर्देशां दी किते पालना हुंदी नजर नहीं आई, ज्यादातर इलाकों च आम वांग ही आवाजाई जारी रही। दरअसल सरकार ने कोरोना करके मरे लोगों नूं श्रद्धांजलि देण दे लई निर्देश जारी किए सी, ते नाल ही मृतकों की याद विच मौन रखने की भी अपील की सी। हालांकि सरकार दा जो सरकार की अपील सी उसका कोई नजर असर नहीं देखने को मिला, क्योंकि एक तो पहला शनिवार से अज जिस करके लोगों को जानकारी नहीं सी, लोग बिल्कुल भी जागरूक नहीं सी इस बारे कि अज एक घंटे के लिए एक करफ्यू कह सकते हैं कि एक तरीके का करफ्यू लगाया जाना सी, एक घंटे के लिए आवाजाई रोकी जानी सी। इसलिए जानकारी की घाट होने कारण इतों तक कि बहुत ज़्यादा पुलिस प्रशासन भी इस बारे जानकारी नहीं सी, इसलिए ना तो पुलिस इस चीज़ को लागू करवा पाई तो ना ही लोग इसका पालन कर पाए। पंजाब सरकार वालों शनिवार को 11 बजे तो लैके 12 बजे तक हदायत जारी की गई सी कि एक घंटे दौरान कोई भी व्हीकल सड़क पर नहीं आएगा, और जिथे व्हीकल चल रहा 11 बजे तो 12 बजे तक उत्थे ही खड़ा रहेगा। पर नाभे दे तुहानू तस्वीर दिखा दिए, नाभे दे तस्वीर तुसी देख सकते हो, सारी व्हीकल उस तरह ही चल रहे हैं, क्योंकि जो पंजाब सरकार दे हुक्म सी 11 बजे तो लैके 12 बजे तक उन्होंने हुक्मों की कितने ना कितने धज्जियां उड़दियां विखाई दे रही ने। सरकार ने यह भी कहा कि 11 बजे तो लैके 12 बजे तक मौन धारना, जो कोविड के तहत जो लोग मर गए हैं उन्होंने श्रद्धांजलि भी देनी आ। पर इत्थे नाभे दी तस्वीरां कुछ होर ही बयान कर रही ने, साडे नाल कुछ लोग ने जो कुछ पालना भी कर रहे हैं, इन्होंने गड्डी साइड पर खड़ा के इत्थे खड़े ने, इन्हां नाल गल कर दिया। तुसीं की कहना चाहुंदे हो? ज़्यादातर गड्डियां उस तरह पहले की तरह चल रही ने, पंजाब सरकार के जो हुक्म से उन्होंने टिच ही जानते हैं। सरकार वालों जिहड़ा एक ऐलान किया भी जिहड़े मरे हुए कोरोना कोविड के ने उन्हां वास्ते श्रद्धांजलि देनी सी, उहदे संबंध विच असीं अज उन सरकार के नियमों की पालना करते हुए असी रोड से गड्डी ला के असी घंटे के रुके हुए हाँ, उस तो बाद अं चलेंगे। हूँ 11:30 बजे का टाइम हो गया, जिते प्रशासन इतने पुलिस प्रशासन का कोई भी अधिकारी नाभे च दिखाई नहीं दे रहा, कितने कितने लगता भी प्रशासन की भी कितने ना कितने अणगहली है। प्रशासन की अणगहली कारण तो जी कुछ होर है, जेकर प्रशासन अणगहली ना करे नाके लाने तो जो लोग ने अब देखने मिल रहे नहीं मिलते। तुसी कितने जा रहे थे? आपकी कार रही थोड़ी भी कार खड़ी है? सर मैं पटियाले तो नाभे ही आ रहे थे, मैं अपना लोकली उरे नाभे से रहने वाला, मैं उरे मुड़ रुकिया तो उरे देखा तो उरे कोई भी पुलिस वाला तो उवें रूटीन वांगू गड्डियां चल रही हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन एवें देख सकते हैं किसी लोगों को कहने का कोई फायदा ही नहीं हैगा। तो गवर्नमेंट दियां पंजाब सरकार दियां हदायतां सी एक घंटे लई आवाजाई रोकनी सी, पर तुसी देख सकते हो किवें गड्डियां आ रही जा रही ने पर किसी नूं कोई फर्क नहीं हैगा। तुसी देखिया नाभे का हाल, 11:30 बजे का टाइम हो चुका, तो जो 11 तो लैके 12 बजे तक जो टाइम सी भी गड्डियां नहीं चलनगियां, कर्फ्यू वाला माहौल होएगा, पर नाभे विच इस तरह की कोई गल विखाई नहीं दे रही। नाभा तो भुपिंदर सिंह न्यूज़। यह भी अपील की गई है कि जिहड़े लोग करोना के करके जिन्हां दी मौत हो चुकी है उन्होंने श्रद्धांजलि दी जाए, लेकिन असी इस टाइम खड़े हैं मोगा के मेन चौंक के और साफ तौर पर अगर मोगा की गल की जाए तो मोगे के इस तरह का कोई भी असर देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि पंजाब सरकार ने साफ तौर पर कहा कि 11 तो 12 बजे तक जिहड़ा है जनता कर्फ्यू लगाया जाएगा और लोगों वालों उन्होंने लोगों को श्रद्धांजलि दी जाएगी मौन रख। मैं इसलिए मौजूद हैगा लुधियाना शहर के कुमार मंडी रोड उत्ते जिहड़ी कि पोश मार्केट गिनी जाती है, उस दियां तस्वीरां तुसीं देख सकते हो साफ तौर उत्ते, और उस तो बाद दियां तस्वीरां की निकल के सामने आ रही खुद ही बयान कर दियां नज़र आ रही ने, क्योंकि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे हैं कि करोना जिहड़ा कि लगातार हुण दोबारा पैर पसार रहा वै, क्योंकि बीते दिन जेकर लुधियाना शहर की गल की जाए तो 395 केस लुधियाना शहर के निकले सके, तो उस चीज़ को लैके कितना कितने हुण पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह वल्लों जिहड़े हिदायतां जारी की गई ने कि शनिवार के शनिवार 11 बजे तो लैके 12 बजे तक आवाजाई पूरी तौर उत्ते बंद रहेगी, और लोगों नू जिहड़े करोना दे विच मरे ने उन्हां वास्ते मौन वर्त रखने वास्ते भी अपील की गई है। पर लोग किन्ने कु अवेयर हैगे ने, लोग किन्ने कु इस चीज़ नू पालना करते नज़र आ रहे ने, वो तस्वीरां खुद ही बयान कर दियां नज़र आ रही ने। लोगों नू समझाया जा रहा है पंजाब पुलिस पक्षों, लोगों नू अपील की जा रही है कि 11 बजे तो लैके 12 बजे तक कोई भी शख्स अपने घर तो बाहर ना निकले, पर वह तस्वीरां बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही ने। तुम देख सकते हो कि इतने लोग है उन्होंने गल कर लें। सर
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਕਰਫਿਊ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪੀਟਲ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜੀ, BMC ਮਰੀਜ਼ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਿ ਲੋਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਚਲਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਮ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ।